सेक्शन 132 एनफोर्स कर दिया गया है, और ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 नहीं है, ये तो कंपनीज एक्ट 2013 है, एनफोर्स नहीं हो रहा था, अभी फाइनली एनफोर्स कर दिया गया है। और इसमें गूगल सर्च करना मार्च अप्रैल 2018, तो आपको अरुण जेटली साहब के बहुत सारे इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे कि सीए इंस्टीट्यूट में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑल ओवर इंडिया बहुत गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एनएफआरए का होना ज़रूरी है क्या ऐसा? बेचारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अब वेल और सीए मतलब एनएफआरए को पावर दी जा रही है टू कैंसिल द डिग्री फॉर सर्टेन टाइम, नॉट परमानेंटली, एनएफआरए को फाइन पेनल्टी लगाने की पावर दी जा रही है, उसमें कुछ अमेंडमेंट हुई है। एनएफआरए जो है वो वेल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अब मेरे लिए जो ज़्यादा फोकस एरिया है ना, टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए वो एरिया इंपॉर्टेंट है जिसमें अभी रिसेंटली अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो 132 सबसेक्शन 3 में, 132 सबसेक्शन 4, 132 सबसेक्शन 4 में क्लॉज सी इज लिटिल अमेंडेड ऑन 9 फेब 2018, एनफोर्स भी कर रहे हैं साथ साथ अमेंड भी कर रहे हैं, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर प्रूव हो गया कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, प्रैक्टिसिंग सीए ने या फर्म ने, सीए फर्म ने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, तो एनएफआरए के पास पावर है इम्पोजिंग द पेनल्टी। फाइन वर्ड का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते क्योंकि फाइन कौन लगाता है? कोर्ट। पेनल्टी कौन लगाता है? आरओसी या अब एनएफआरए इज इम्पोजिंग द पेनल्टी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एंड हाउ मच? नॉट लेस देन 1 लाख रुपीज, बट विच में एक्सटेंड टू 5 टाइम्स ऑफ द फीस इन केस ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब प्रैक्टिसिंग सीए इज सोल प्रोपराइटर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है सोल प्रोपराइटर है तो उसके लिए मिनिमम फाइन 1 लाख रुपीज, मिनिमम पेनल्टी 1 लाख रुपीज, मैक्सिमम पेनल्टी 5 टाइम्स ऑफ द प्रोफेशनल फीस इज चार्जिंग। जितनी ऑडिट फीस ले रहा होगा उस ऑडिट फीस का 5 गुना भी पेनल्टी हो सकती है। और अगर सीए फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोपराइटरशिप नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा पहले से कम कर दिया। जो फाइन था मिनिमम 10 लाख, उसको कर दिया मिनिमम 5 लाख, एंड विच में एक्सटेंड टू मैक्सिमम हाउ मच? 10 टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव्ड, ऑडिट फीस का 10 गुना। तो इंडिविजुअल्स के लिए मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम कितना? 5 टाइम्स। और सीए फर्म के लिए मिनिमम मिनिमम इज 5 लाख, मैक्सिमम इज 10 टाइम्स ऑफ द ऑडिट फीस, दैट मच इज देयर। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, उसके नीचे जो पॉइंट बी है, कैपिटल बी, वो भी बहुत डेंजरस है। एनएफआरए के पास पावर है, एनएफआरए के पास पावर है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस हैं, डिबारिंग, उनको प्रोहिबिट किया जा सकता है, प्रोहिबिटिंग द सीए, प्रैक्टिसिंग सीए और द सीए फर्म फ्रॉम एंगेजिंग इटसेल्फ और हिमसेल्फ फ्रॉम द प्रैक्टिस एज मेंबर, प्रैक्टिस नहीं करेगा एज मेंबर फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स और सच हायर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स एज में बी डिसाइडेड बाय द एनएफआरए। तो एनएफआरए किसी का भी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस के लिए मना कर सकता है, एनएफआरए प्रैक्टिस के लिए मना करने की पावर रखती है जो एनएफआरए अथॉरिटी है। और कितने साल के लिए? मैक्सिमम अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर आप किसी की प्रैक्टिस बंद करवा दोगे 10 साल के लिए और 10 साल के बाद कहते हो वापस आ जाओ, 10 साल जॉब करेगा फिर? 10 साल प्रैक्टिस नहीं करेगा तो 10 साल जॉब करेगा? मतलब हम ये नहीं करें कि सीए की डिग्री कैंसिल कर रहे हैं, सीए की डिग्री कैंसिल नहीं कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैंसिल कर रहे हैं। मतलब कुछ भी करेगा, बिजनेस कर लेगा, बिजनेसमैन बन जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बिजनेस तो करना आता ही होगा, औरों को बिजनेस करवाते हैं तो खुद अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेंगे। बीच में कुछ चीज़ें ये डिलीट हो गई हैं ऑन 9 फेब 2018, सो आई एम नॉट रीडिंग थ्रू दिस एंटायर। बाकी एनएफआरए के ऊपर अपीलेट अथॉरिटी है, तो फाइल द अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी, फाइल द अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी। 132